यूक्रेन की जंग में रूस न्यूक्लियर हमला करने वाली किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया। लेकिन रूस के पास किंजल से भी कहीं ज्यादा घातक प्रहार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें मौजूद हैं, जिनका अगर इस्तेमाल होता है तो पल भर में जंग का फैसला हो जाएगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए एवनगार्ड, द अनगार्डेड एवनगार्ड। सत्ताईस दिसंबर 2019, डोंबारवोस्की, रूस। रेगिस्तान का इलाका, एक गड्ढे से धुआं उठा। धुएं का गुबार धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ ही देर में अचानक गड्ढे से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते धुएं और लपटें हाहाकारी हो गई, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। धुआं आसमान को छूने लगा। आग की लपटें कई सौ फीट ऊंची उठने लगी। फिर अचानक आग की लपटें गायब हो गई, सिर्फ धुआं ही धुआं दिखा। इसके अगले ही पल धूल का बवंडर उठा। धूल और धुएं के उसी बवंडर को चीर कर एक मिसाइल निकली, जिसका नाम एवनगार्ड है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की सभी एटमी महाशक्तियों को दहलाने वाली मिसाइल का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च किया। महज 15 मिनट बाद एवनगार्ड का धमाका 7350 किलोमीटर दूर हुआ। 3 टन वजनी मिसाइल के धमाके से समंदर में सुनामी सी आ गई। पुतिन ने यह धमाका अमेरिका के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से अलग होने के बाद किया। अमेरिका अपनी सुपर डुपर मिसाइल का ढोल पीटता रह गया। और इधर पुतिन ने 3 टन वजनी एवनगार्ड को सबसे किलर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना दिया। एवनगार्ड की ताकत को समझना है तो 29 अक्टूबर 2019 को जो पुतिन की सेना ने किया वो जानना जरूरी है। 29 अक्टूबर 2019, आर्कजेंस्क, व्हाइट सी, उत्तरी रूस। परमाणु पनडुब्बी के 114 तुला सफेद सागर में गोते लगा रही थी। जब पनडुब्बी यूरोप तट के करीब पहुंची तो नौसैनिक हरकत में आ चुके थे। वॉर रूम से प्रेसिडेंट पुतिन का ऑर्डर आ चुका था। सबमरीन के 114 से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। मिसाइल का नाम RSM-56 बुलवा था। मिसाइल से फादर ऑफ एटम बम का टेस्ट किया गया। सफेद सागर से चली मिसाइल का धमाका बैरेंट सी में हुआ, जिसके साथ विनाशक हथियारों की होड़ में रूस सरताज बन गया, जिसके पास सबसे विध्वंसक, सबसे ज्यादा एटम बम है। जिसके पास सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। जिसके पास दुनिया का सबसे दमदार एयर डिफेंस सिस्टम है। पुतिन के मिसाइल तरकश में 6 ऐसी मिसाइलें हैं जिनके एक वार से दुनिया दहल जाए। पुतिन के पास RS-36 सरमट मिसाइल है, जिसे सैटर्न 2 भी कहते हैं। 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 208 टन की मिसाइल जो 18,000 किलोमीटर दूर किसी भी इलाके में परमाणु धमाका कर सकती है। सैटर्न 2 एक साथ 15 परमाणु न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भरती है। नाटो देश इस मिसाइल को शैतान का नाम देते हैं, जबकि पुतिन को पता है कि सैटर्न 2 से भी ज्यादा विध्वंसकारी एवनगार्ड है। माना जाता है कि यूराल की पहाड़ियों में पुतिन की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल दिसंबर 2019 में भेजी जा चुकी है।
एवनगार्ड 2 टन वजनी 5 मीटर लंबी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जखीरे में RT-2 टोपोलो को भी महाविध्वंसक माना जाता है जिसकी जद में दुनिया का कोना कोना है। अमेरिका का दावा है कि पुतिन के पास डूम्सडे बम भी है। ये विध्वंसकारी बम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया गया है। स्किफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बम को दागा जा सकता है। इस बम के साथ स्किफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इस बम को सी लेवल से 3,000 फीट नीचे कई सालों तक रखा जा सकता है। आधुनिक युग के सबसे घातक और विनाशक हथियार जुटाकर पुतिन ने दुनिया में डंका बजा दिया है। यही वजह है कि जो आज रूस से टकराने से पहले किसी भी दुश्मन को 1,000 दफे सोचना पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी था अमेरिका ने पुतिन के देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज वही काम पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं और सुपर पावर पुतिन के पावर शो का सिर्फ तमाशा देख रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।